जनपद श्रावस्ती ब्लॉक गिलौला ग्राम पंचायत किशनपुर चंदनबारी गांव मोहम्मद अली पुरवा में राप्ती नदी से अचानक बाढ़ आ जाने के वजह से जाकिर अली सहित 100 परिवार के लोगों का घर बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 15 अगस्त को सैलाब आया तो लोग कोई घर पर था कोई नहीं था, यहाँ लड़के जो थे बाहर मजदूरी करने गए थे, मैं अकेला यहाँ था और पूरे गांव पूरा ध्वस्त हो गया और यहाँ जो है सब बह गया था। कोटेदार हमका ना शक्कर दिए लड़कियों खबरें ना तेल दिए, 5 लड़के हैं 5 औलाद खबरें ना दिए थे। हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, गेहूँ बह गया और बटुला बह गया थारी बह गया सब पूरा नुकसान। खाते पीते क्या है? खाते पीते इसमें कहाँ रह रहे हैं आप? इस पानी की वजह से हम लोग को इतनी परेशानी हो गई, इतना परेशानी उठा रहे हैं कि हमारे देख के आते हैं, कोई लिख के चला जाता है, कोई देख के लिख के चला जाता है। दवा वाले आते हैं तो गाड़ी से नीचे उतरते नहीं हैं, गाड़ी पे बुला के दवा देते हैं, कोई किसी को दवा मिलता है किसी को नहीं मिलता है, वो लेके चले जाते हैं। पूरी सब्जी वाले आते हैं गाड़ी से फेंकते हैं, 2-4 पैकेट लड़के लोग दौड़ के छीनते हैं वो भी वैसे चले जाते हैं, कोई उतर के देख नहीं रहा है घर को। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग श्रावस्ती जनपद के DM का नंबर 94-54-41-75-38 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ट के लिए।